आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एकदम देसी स्टाइल पनीर पास्ता, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी तो है ही, साथ ही साथ ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है, क्योंकि इसे हम आज सूजी पास्ता से बनाने वाले हैं। पास्ता हो या पिज़्ज़ा हो, बच्चों को हर चीज़ पसंद आती है, उनका फेवरेट होता है, तो हम इसे देसी स्टाइल में बनाएंगे आज, जो बच्चों के साथ साथ आपको भी बहुत पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी, सोनी फूड स्टाइल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पनीर पास्ता बनाने के लिए यहाँ मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया है, करीब 1.5 लीटर पानी लिया है मैंने। 1 चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे और 1 चम्मच में यहाँ घी डाल रही हूँ, आप तेल भी डाल सकते हैं या बटर भी डाल सकते हैं। और यहाँ मैंने 200 ग्राम सूजी पास्ता लिया है, तो ये डाल लेंगे हम और इसे 80-85% ही पकाएंगे। तो इसे हम उबलने के लिए रख देते हैं। इसमें उबाल आ गया है, अच्छे से ये पक गए हैं। अब हम चेक कर लेंगे, एक चाकू की सहायता से इसे कट करके देख लेंगे। हल्का सा इसमें कच्चापन होना चाहिए, क्योंकि हम इसे आगे भी पकाएंगे। तो ये बिल्कुल परफेक्ट पका हुआ है। अब हम इसे निकाल लेंगे, इसको अच्छे से छान लेंगे और छान के हम इसको अच्छे से ठंडे पानी से धो लेंगे, या इसके ऊपर हम ठंडा पानी डाल देंगे, जिससे इसकी कुकिंग रुक जाएगी। और इस पे 1-1.5 चम्मच हम तेल या घी इस पे ड्रिजल कर देंगे। अब मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें हम 2 चम्मच बटर डाल लेंगे, आप घी या तेल भी डाल सकते हैं। और 1 चम्मच में इसमें घी डाल रही हूँ, ताकि बटर जले नहीं। तो बटर अच्छे से पिघल गया है। अब 1 चम्मच मैंने यहाँ बारीक कटा हुआ लहसुन लिया है, इसे भून लेंगे। 1 चम्मच ही मैंने बारीक कटी हुई अदरक ली है, अदरक को भी हम अच्छे से भून लेंगे, या आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ 1 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली है, ये भी डाल लेंगे और अच्छे से भून लेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च कम डाल सकते हैं। एक मैंने यहाँ बारीक कटा हुआ प्याज लिया है, इसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, भून लेते हैं 2-3 मिनट के लिए अच्छे से। प्याज अच्छे से भून गया है, देखिए। अब मैं यहाँ 2 बारीक कटे हुए टमाटर डाल रही हूँ, टमाटर को भी हम अच्छे से पका लेंगे, जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाएं। तो टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, 1 चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे और इसे ढक कर हम 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे, और गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। तो पका लेते हैं, जिससे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। देखिए, टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें सब्जियां डाल लेते हैं। तो यहाँ मैंने हरी शिमला मिर्च ली है, और पीली वाली शिमला मिर्च ली है, और लाल वाली शिमला मिर्च ली है, जो आपके पास हो आप वो ले सकते हैं। 2-2 चम्मच मैंने यहाँ सब्जियाँ ली हैं, और 2 चम्मच ही मैंने स्वीट कॉर्न लिए हैं। सब्जियाँ यहाँ आप अपनी पसंद की डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो वो डाल सकते हैं, लेकिन पास्ते में यही सब्जियाँ ज़्यादातर डाली जाती हैं। अब 1/2 छोटी चम्मच हम कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स। मिक्स करेंगे सभी चीज़ों को अच्छे से। करीब करीब 1 चम्मच इसमें पास्ता मसाला डाल रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डाल लीजिए, नहीं तो जो मसाले हमने डाले हैं वो ही परफेक्ट हैं। अब मैंने 2 चम्मच यहाँ पास्ता सॉस लिया है, पास्ता सॉस की वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है, पास्ता या पिज़्ज़ा सॉस दोनों एक जैसा ही होता है, तो इसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ जाके आप चेक कर लीजिए कि पास्ता या पिज़्ज़ा सॉस कैसे बनाते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान है और इससे पास्ते में बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आएगा। तो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैंने 200 ग्राम
पनीर लिया है जिसको अच्छे से कद्दूकस कर लिया है, ये डाल लेंगे। पनीर में खूब सारा प्रोटीन होता है जो सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और पनीर डालने से इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा, तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हम। और इसे ढक कर हम 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेंगे। सिर्फ 2 मिनट ही हमें पकाना है और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। तो पका लेते हैं हम 2 मिनट के लिए इसे। 2 मिनट हो गई हैं, चेक कर लेते हैं, ये अच्छे से पक गया है। जो भी सब्जियां हैं वो सारी अच्छे से पक गई हैं। अब हम इसमें पास्ता डाल देंगे। पास्ता जब भी हम ठंडे पानी से धोएं तो उस पर 1 चम्मच तेल या घी हम ज़रूर डाल दें ताकि ये आपस में चिपके नहीं। तो इसे अच्छे से करेंगे मिक्स। देखिए अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल रही हूँ। हरा धनिया बिल्कुल ऑप्शनल है, वैसे पास्ता में हरा धनिया नहीं डलता है, लेकिन जो कि हम देसी स्टाइल बना रहे हैं तो मैं तो हरा धनिया ज़रूर डालूंगी, मुझे बहुत टेस्टी लगता है। तो इसे अच्छे से करेंगे मिक्स। बस ये बनकर तैयार है, 2 मिनट हम और पका लेंगे इसे ढककर। तो 2 मिनट हम इसे लो फ्लेम पर पका लेंगे। तो 2 मिनट हो गई हैं, पास्ता अच्छे से बनकर तैयार है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और एकदम खुशबूदार बना है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये लीजिए, पास्ता बनकर तैयार है, एकदम गर्मा गर्म आप इसे सर्व कीजिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी। इसे गार्निश कर लेंगे हम पनीर से। आप ऐसे बिल्कुल देसी स्टाइल पास्ता बना सकते हैं अपने बच्चों के लिए, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो ढेर सारे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे फैमिली में, फ्रेंड में, सोशल साइट पे आप शेयर कर सकते हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज का ये देसी स्टाइल पास्ता आपको कैसा लगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और हेल्दी भी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।